हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक कमेंट। दोस्तों, मैंने अभी बहुत सारे वीडियो एसईओ के ऊपर बना के दिया है और मुझे आप लोगों से कमेंट नहीं आ रहा है। क्या समझूं मैं कि आपको कमेंट करना नहीं चाहते या सारा कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ऐसा कुछ समझू क्या? नहीं ना। आज एसईओ के 17वें वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे टूल के बारे में जो एसईओ के बारे में आपको सारा इंफॉर्मेशन देगा, आपकी वेबसाइट के बारे में सारा इंफॉर्मेशन देगा। आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है और हाउ यू कैन इम्प्रूव योर वेबसाइट ऑडिट स्कोर। जब भी आप वेबसाइट बनाओगे, जब भी आप ब्लॉग लिखोगे, इन दैट सिनेरियो यू हैव टू यूज एसईओ क्वेक। ये टूल्स सीमलेस के द्वारा बनाया गया है। तो आज का एजेंडा जो हमारा होने वाला है, व्हाट इज एसईओ क्वेक, व्हाट इज एसईओ क्वेक एक्सटेंशन। दो चीजें हैं, एक एसईओ क्वेक और दूसरा एसईओ क्वेक एक्सटेंशन। अगला होगा बेनिफिट्स ऑफ एसईओ क्वेक, हाउ टू इंस्टॉल इट। हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि एसईओ क्वेक एक्सटेंशन को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। और अगला होगा हाउ टू चेक दी एसईओ रिपोर्ट्स यूजिंग एसईओ क्वेक। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एसईओ क्वेक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो लास्ट में बताऊंगा। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा, कहीं से एस्केप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको समझ में आता है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एसईओ क्वेक? एसईओ क्वेक एक फ्री प्लगइन है जो आपको ऑर्गेनिक सर्च डाटा के बारे में रिजल्ट देगा, आपको ऑर्गेनिक सर्च डाटा के बारे में बताएगा सिर्फ एक बटन ऑन क्लिक करने पे। क्या? सिर्फ और सिर्फ एक बटन क्लिक करने पे। समझ रहे? बहुत सिंपल सा है और सेम एसईओ क्वेक एक्सटेंशन भी यही है। बट उसमें व्हाट इज एसईओ क्वेक एक्सटेंशन? एसईओ क्वेक एक्सटेंशन क्या है? पहला फ्री प्लगइन। एसईओ क्वेक एक्सटेंशन इज अ फ्री प्लगइन प्रोवाइड की एसईओ मेट्रिक्स फॉर स्पेसिफिक पेज सच एज एसईओ ऑडिट एंड अदर्स लाइक कीवर्ड डिफिकल्टीज एंड ऑल दीज थिंग्स। तो बेनिफिट्स ऑफ एसईओ क्वेक्स क्या होंगे? आपको पेज रैंक के बारे में पता चलेगा, डोमेन्स के बारे में पता चलेगा, बैक लिंक्स के बारे में पता चलेगा, कितने बैक लिंक्स है, एलेक्सा पे हमारे वेब पेज का कितनी क्या रैंकिंग है, गूगल रैंक पे क्या रैंकिंग है, याहू इंडेक्स पे क्या रैंकिंग है, सीमलेस पे क्या रैंकिंग है। मैं चाहूँ तो आपको अभी भी दिखा सकता हूँ, बट नहीं, मैं इसे लास्ट में आपके सामने एक एक इंस्टॉल करके आपको हर एक चीज दिखाऊंगा। इसे मैंने इस सिस्टम से उसे अनइंस्टॉल कर दिया। अब आते हैं हाउ टू इंस्टॉल इट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मेरा जो कंसेप्ट है कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, तो मैं यहाँ पे एसईओ क्रैक डाल देता हूँ। देखिए, नहीं, मैंने इसमें ऐड कर दिया। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, एसईओ क्रैक पे जाना है। जब आप क्लिक करोगे तो इंस्टॉल एसईओ क्वेक आएगा। आपको यहां से एक्सटेंशन में ऐड टू क्रोम कर देना है। मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो रिमूव फ्रॉम क्रोम है, बट आपको इंस्टॉल कर देना है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको समझना है कि एसईओ क्वेक क्या क्या रिजल्ट देता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, हाउ टू चेक दी एसईओ रिपोर्ट यूजिंग एसईओ क्वेक। हम एसईओ रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं?
चलिए हम चलते हैं फिर से गूगल पे, और यहाँ हमने स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पे मैं कोई कीवर्ड डालता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। मैंने डाल दिया, देखिए कुछ भी नहीं आया ना, बहुत कुछ आ रहा है। ये देखिए इतना रिजल्ट है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। पैरामीटर ये देखिए, जो पहले नंबर पे है उसका रैंक कितना है, जब आप देखेंगे ना एलेक्सा पे, ये देखिए इन्वेस्टोपीडिया पे कितना क्या है, आपको सारे कुछ दिख रहे हैं ना। डिजिटल मार्केटिंग, मैं कोई वेबसाइट ओपन करके देखता हूँ, इन्वेस्टोपीडिया, यहाँ पे जो हमारा है ये देखिए, गूगल इंडेक्स 120K, रिपोर्ट आ रहा है ये देखिए, सेमलेस बैकलिंक 11.3K, अगला है सेमलेस सब डोमेन बैकलिंक्स 39.8 मिलियन, बिंग इंडेक्स 9.01K, रैंक ऑन एलेक्सा रैंकिंग कितना है 509, फेसबुक लाइक्स कितने हैं NA है, ये देखिए सारी कुछ आ रहे ना, रैंक कितना है सेमस रैंक, मोर डाटा अगर आपको करना है ये देखिए साइड में आ जाएगा, एक्सटर्नल लिंक्स कितने हैं 27, इंटरनल लिंक्स 175, साइट ऑडिट मैंने, फेसबुक लाइक्स कितने हैं एक भी नहीं, पिन इंटरेस्ट लाइक्स 10 है, गूगल इंडेक्स, आपको सारा रिपोर्ट दिख रहा है ना या नहीं दिख रहा? चलिए एक और वेबसाइट का करते हैं, बिग बॉश बहुत फेमस वेबसाइट है ना, आपको के लिए ये देखिए सारा डिटेल्स आ गया ना, इतनी मजेदार चीजें बताओ, आपको ध्यान है? अगला करता हूं मैं, एक और वेबसाइट देखते हैं, कौन सा वेबसाइट, अमेजोन, ये देखिए एक्सटर्नल लिंक्स इंटरनल लिंक्स साइट ऑडिट पिन इंटरेस्ट गूगल इंडेक्स पिंग इंडेक्स सब कुछ सेमस रैंक सेमस, एडवर्टाइजर डिस्प्ले एड से, समझिए मेरी बात को। एक और एग्जांपल्स देखिए, इतना सफिशिएंट है आपके लिए, आप सिर्फ एक सेम एसईओ क्वेक का एक्सटेंशन इंस्टॉल करने से आपको बहुत सारा, आप लोगों में बहुत सारे लोग कैनवा यूज करते हैं, कैनवा.com, हम इस पे जाते हैं, ये किसी भी वेबसाइट का बता देगा, ये देखें। अब कैनवा के बाद व्हाट्सएप तो यूज करती है, वेब व्हाट्सएप, मैंने इसे खोला, कितनी मजेदार चीज, ये देखिए ना, अच्छा रिपोर्ट मैंने बताया। अब मैं चलता हूँ अपने पीपीटी पे, तो एसईओ क्वेक रिपोर्ट के बारे में हमने सारा कुछ देखा, एसईओ रिपोर्ट कैसे पता करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट एजेंडा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट एसईओ क्वेक, दोस्तों ये सारे रिपोर्ट कहाँ से आते हैं, ये सेमस बनाता है एसएफ का, हम यूज करते हैं सारे डाटा जो है वो गूगल से ही आते हैं ना, गूगल का ही डाटा यूज करते हैं ना हम, आप पैसे वेस्ट करते हैं स्टार्टिंग में, बट वी हैव टू यूज गूगल कीवर्ड प्लानर फॉर बेटर परफॉर्मिंग कीवर्ड्स। मैंने आपको पीछे वीडियो में सर्च क्वेरी वर्सेस कीवर्ड के बारे में बताया था, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को देखते हैं स्टार्टिंग में ही हमें ये खरीदना है, हमें सेमस, हमें ये, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, खरीदना अच्छी बात है बट एक बार पैसे कमाने के बाद आपको जो रिपोर्ट मैंने दिखाया है वो
वो मैंने बहुत सारी वेबसाइट, ऐसे ही आप अपने वेबसाइट का और आपको नोट डाउन करना है, और आपको पर डे हाउ टू इम्प्रूव योर एसईओ स्कोर, दैट विल बी अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट इन योर फ्यूचर इफ यू वांट टू बी अ एसईओ एक्सपर्ट। अगर आप एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं इन दैट सिनेरियो, आपको एसईओ क्रैक का यूज करके आपको पर डे का ये करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि सारे एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं, मैं इस पे काम करता हूँ। अगर कोई कीवर्ड है, मैं वर्ड पे आ जाता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज थ्री कीवर्ड है, ए बी सी, इसका हमने गूगल सर्च देखा 180, 200, और सी का एक सौ साठ। तीनों में डिफरेंस क्या है? जब आप देखोगे ना, आपको ये पता चलेगा कि सारे सेमस हो या ऐसा, तो सारे गूगल के ये अप्रोक्स डाटा है, नॉट इक्वल टू अप्रोक्स डाटा। बट यहाँ से ये कंफर्म होता है कि बी का कीवर्ड सबसे ज्यादा है इन रिस्पेक्ट ऑफ ए एंड सी। तो आपको ये समझना होगा, इन सारे टूल्स में मैंने एसईओ में बहुत सारे टूल्स बताए हैं। एक बहुत मजेदार टूल्स है स्क्रीमिंग फ्रॉग, वो भी मैंने बताया, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा, आपको एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट की उम्मीद मत कीजिएगा। यू कैन गेट अ गुड आइडिया फ्रॉम आइदर मे बी एसईओ और गूगल कीवर्ड प्लानर और सेमस वगैरह सब, वॉट एवर इट मे बी। आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है, आपको अपनी एनालिसिस भी रखनी है कि कितना सही होता है कितना। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि सर मुझे डिस्क्रिप्शन लिखने के टूल्स बताइए, एड्स लिखने के टूल्स बताइए, या अगर टूल्स दे भी देगा तो वो आपको एक आइडिया देगा। आपको अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग को यूज करना है। तो थैंक यू भाई, आज के वीडियो में इतना ही। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, लिंक बिल्डिंग वर्सेस लिंक अर्निंग, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर लगता है आपको कि आपको सीखने को काफी कुछ मिल रहा है ये, तो आप लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।